वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 32 फोर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट है, जिसको हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। और इस वर्कशीट का टॉपिक जो है बच्चों, वो क्या है? मोशन है। मोशन जैसे कि हमारा चैप्टर जो है चल ही रहा है, और उसमें टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, यानी हम स्पीड को ग्राफ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिज्ञासा दीदी, कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से? सुज्ञान, वी नो दैट द लीनियर मोशन मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज्ञान, हम जानते हैं कि जो लीनियर मोशन है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। बच्चों, मोशन आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। When an object cover equal distance in equal interval of time, it is known as uniform speed. तो जब हम equal distance cover करते हैं in equal interval of time, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे uniform speed. Speed of an object can be represented by distance time graph. तो speed जो है उसको हम कैसे represent कर सकते हैं? Distance time graph की help से। जैसे कि आपको graph में दिखाई दे रहा है, ये distance time graph है बच्चों। Now, the distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line. तो अगर uniform speed है तो इस तरह graph कैसा होगा? Straight line होगा. Whereas, it is curved line for non-uniform speed of an object. जबकि अगर speed जो है वो non-uniform है तो graph कुछ ऐसे भी हो सकता है, curve line कुछ ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह graph हो सकता है in case of non-uniform motion. Now, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो जो बच्चों, ये स्लोप होता है यहाँ पर, ये क्या होता है? ये जो है स्लोप है, ये जो हमें, ये जो स्लोप है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ओके, सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। हायर द स्लोप, हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, अब उसके बाद देखिए, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, मार्क टू पॉइंट ए एंड बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड आपको गिवन है। आपको दो पॉइंट जो है यहाँ पर क्या करने हैं, मार्क करने हैं, दिस वन ए पॉइंट, दिस वन बी पॉइंट। ओके, तो आपको ए बी पॉइंट आपने मार्क कर लिया, उसके बाद एक पॉइंट आपने मार्क करना है सी पॉइंट। ओके, कहीं पर भी ये आप मार्क कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे, अब आप देखिए, यहाँ पर ए बी सी, ये आपके पास क्या बन गई? एक ट्राइंगल जो है, इस तरह से ट्राइंगल बन जाती है। अब इस ट्राइंगल में आप जो है एक लाइन जो है एक ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर की है। ये लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल में होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। और एक्स एक्सिस पे क्या है? हमारा टाइम है। और जो ये बी सी लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल में होगी, और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ से जो ए सी है बच्चों, ये है ए सी। ए सी क्या डिनोट कर रहा है? ए सी डिनोट कर रहा है टाइम को। ओके, तो ए सी जो है ये टाइम इंटरवल डिनोट करता है। टाइम इंटरवल यानी टी टू, हम इस टाइम को क्या मान रहे हैं? टी टू। और ये वाला जो टाइम है इसको हम मान रहे हैं टी वन टाइम है ये। और ये जो टाइम का डिफरेंस है, इसी से हम क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। उसके बाद देखिए, इस ट्राइंगल में ए सी का हो गया, उसके बाद हम देखेंगे बी सी। बी सी क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? डिस्टेंस डिनोट कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर टाइम। T2 माइनस T1 टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी? S2 माइनस S1। इस तरह से ये T2 हो गया, ये T2, ये T1, ये S2, ये S1। ओके, तो ये क्या है हमारा? S2, ये है नीचे वाला S1, ये क्या है? ये है T1 और ये है T2। तो T2 माइनस T1 टाइम में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? S2 माइनस S1। यहीं से हमें स्पीड निकल जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का जो है ये पॉइंट जो दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, इसी तरह 20, 40, यहाँ से हम ग्राफ से टाइम पता लगा सकते हैं। तो हमारा T2 जो यहाँ पर, S2 कितना है? S2 है 38, S1 है 28, टाइम है 56 और
जो यहाँ पर T1 का टाइम है वो है 42, ग्राफ की हेल्प से हमने देख लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 10/14 और 0.71 किलोमीटर पर मिनट। ओके, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करेंगे दैट द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए कार। तो जो गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो डिफरेंट पोजिशन शो करेगा, लाइक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द कार मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ए टू बी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, बी टू सी इट स्टॉप एंड रिमेन एट रेस्ट, बी टू सी कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो ये किस में है, रेस्ट में है, सी टू डी अगेन इट मूव विद हायर यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसकी स्पीड जो है वो हायर हो जाती है। तो इस तरह से हम ग्राफ से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। बिलो मेंशन डिस्टेंस ग्राफ शोज डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये अलग अलग ग्राफ दिखाए गए हैं, जो अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं वो अलग अलग टाइप की मोशन को शो करेंगे। ग्राफ ए शोज यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। बी शोज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड सी शोज एट रेस्ट, यानी टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है, तो यानी ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट भी है। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चेक योर सेल्फ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ दिया गया है, जैसे हमने अभी ऊपर जो स्पीड है वो कैलकुलेट की है, इसी तरह आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है यहाँ पर इस ग्राफ की हेल्प से। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन वन है बच्चों। तो हम ग्राफ में कुछ पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, जैसे हमने अभी वर्कशीट से सीखा कि किस तरह से हम T2 - T1 निकालेंगे, इसी तरह S2 - S1 निकालेंगे, सेम है वही एक्स एक्सिस वही वाई एक्सिस। तो इस पर हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये एक तो ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, बी होगा, ओके। और उसके बाद एक पॉइंट हम ये ले रहे हैं 4 टाइम पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा ए होगा। इसी तरह एक पॉइंट जो हम ले रहे हैं बच्चों, इसके पैरेलल में बिल्कुल ये यहाँ पर ले रहे हैं 40 डिस्टेंस पे, ये पॉइंट होगा हमारा एच पॉइंट। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ए एच बी एच या ए बी एच, ये एक ट्राइंगल बन गई। अब अगर हमें T2 देखना है तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे, यानी अगर हम देखें तो हम इनको पॉइंट को नाम दे रहे हैं, 4 पे C दे रहे हैं, 6 पे हम क्या नाम देंगे, D नाम देंगे, ओके। आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, बट मैंने आंसर में यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं, आप इसी के अनुसार देखिए सी डी। तो अब यहाँ पर डी क्या है, T2, और सी क्या है, T1। तो टाइम कैसे निकलेगा बच्चों यहाँ से, ये देखिए ये इस तरह से निकल जाएगा, तो 6 - 4 2 सेकंड निकल गया। अब बी एच को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम वाई एक्सिस पे देखेंगे तो बी एच जो है वो क्या है, एफ और ई। तो बी पॉइंट को अगर हम 60 पे देखें तो 60 हमारा पॉइंट है एफ, और 40 हमारा पॉइंट है एफ, और ई जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ई जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ और ई क्या है, तो देखिए यहाँ से एफ क्या है, S2, ई क्या है, S1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 60 - 40 तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आपका 20 मीटर आ गया, ये डिस्टेंस आपकी मीटर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मीटर हो गया, तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस गिवन है 20, टाइम गिवन है 2, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी टू पॉइंट आप लेके इसी तरह ट्राइंगल बना के किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो जो स्पीड है वो हमेशा सेम आएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफ विल बी लीनियर, ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर होगा। एंड सेकेंड केस क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। ग्राफ विल बी कर्व हैविंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ग्राफ जो है बच्चों वो कैसे भी हो सकता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, आप ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट पे है तो आप सी वाला ग्राफ बना दीजिए। ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ जो है बी ग्राफ जो है यहाँ पर बनेगा फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, इसके लिए हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, वो हमें क्या बताएगा, स्पीड। तो ये जो है आपका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, हायर द स्लोप हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 9th की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर आपको जो ग्राफ है उसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।